सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन के कथित उत्तराधिकारी जयंत कर्नाड के अधिवक्ता हिमांशु मेहता को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। वहीं आज हिमांशु मेहता ईडी कार्यालय पहुंच गए, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। हिमांशु पर जयंत कर्नाड के पक्ष में सेना के कब्जे वाली जमीन से संबंधित कागजात उपलब्ध कराने का आरोप है। दरअसल ये जमीन आजादी के बाद से सेना के कब्जे में है। सेना उक्त जमीन के कथित रैयत पीएम लक्ष्मण राव को 417 रुपए प्रतिमाह किराया देती थी, जो बाद में उनके बेटे बीएम मुकुंद राव को मिली। बीएम लक्ष्मण राव का 1946 में और बीएम मुकुंद राव का 1998 में देहांत हो गया। इसके बाद सेना किसको किराया देगी, इससे संबंधित उत्तराधिकारी सामने नहीं आया। 2006 में सेना ने एक नोटिस जारी कर जमीन के दावेदार की तलाश शुरू की। सेना ने नोटिस छपवाया कि कोई अधिकृत उत्तराधिकारी कागजात के साथ आए और जमीन का किराया ले। इसी बीच आरोप है कि रांची के अधिवक्ता हिमांशु कुमार मेहता ने जयंत कर्नाड से संपर्क किया। तब तक जयंत कर्नाड के पास उक्त जमीन या उत्तराधिकारी संबंधित कागजात नहीं थे। 2007 में किराया का दावा करते हुए हिमांशु कुमार मेहता ने जयंत कर्नाड के लिए कागजात तैयार करवाए और 2007 में हाईकोर्ट में जयंत कर्नाड को उक्त जमीन का उत्तराधिकारी घोषित करवाते हुए किराए का दावा पेश किया। यहां तक कि सेना से उक्त जमीन खाली कराने संबंधित आदेश भी कोर्ट से ले लिया। आरोप है कि हिमांशु कुमार मेहता के खाते में 1,20,00,000 गए थे। वहीं मंजूश्री पात्रा के खाते में 2,50,000, श्रेष्ठ मेहता के खाते में 2,50,000, मेहता पी देव के खाते में 4,00,000 रुपए का भुगतान हुआ था। ये सभी हिमांशु मेहता के परिवार से जुड़े लोग हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर ईडी हिमांशु मेहता से सवाल जवाब करेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।